हेलो स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसे इवेंट जो कि यहां देखने को मिलते हैं तो यानी इस टाइम टेबल के अंदर बहुत सारे इवेंट यहां देखने को मिलेंगे जैसे हम कह दें कि डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट के टाइम यहां पर जो 9 मंथ होते हैं उसके अंदर बच्चे की मूवमेंट और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना तो ये सब क्या है इस एक्टिविटी में काउंट किए जाते हैं न बी डिवाइडेड फॉर कन्वीनियंस इन टू थ्री ट्राइमेस्टर ऑफ अबाउट थ्री मंथ एज यानी हम कह सकते हैं नो मंथ को तीन तीन मंथ के ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग रखा गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजिनेसिस जहां पर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ इन तीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं यहां देखें तो फर्स्ट मंथ में इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर वन मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द प्रेगनेसी हार्ट इज फॉर्मड यहां एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है फीटस डेवलप लिम एंड डिजिट बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ और इसी तरीके से थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन

आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो है वो बॉडी के ऊपर जो है हेयर प्रोजेक्शन दिखना शुरू हो जाती है बाय द एंड ऑफ 24 फोर वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर आईलेट सेपरेट एंड आई लेसेस आर फॉर्म्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में देखें बाय द एंड ऑफ द नाइन मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी यानी थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर बच्चा जो है डेवलप कंप्लीट होने के बाद इस तरह से पोजीशन में बना रहता है इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू देखें तो आफ्टर वन मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डेवलप हार्ट किडनी लीवर या फिर आईलेट तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा हार्ट जो है यहाँ डेवलप हो जाता है पार्चुरेशन यानी हम कहें प्रसव प्रसव की क्रिया क्या रहती है कि यानी बच्चे का जन्म

this process of delivery of the fetus in yani childbirth is called parturation. Prasav kehte. parturation is induced by a complex neuroendocrine mechanism. the signal for parturation originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर बर्थ के टाइम में जो है सीजेरियन अगर देखें तो कट लगा करके यूट्रस पे इसे बाहर निकाला जाता है तो ये सीजेरियन मेथड रहता है दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिटूट्री यानी हम कह सकते हैं ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ये पिटूट्री ग्लैंड से अपन कह सकते हैं सिग्नल देकर शुरू की जाती है ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉगर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिनटरीइन कॉन्ट्रैक्शन सेक्रेशन कॉन्टिन्यू रिजल्टिंग इन इनक्रीज सिग्नली स्ट्रोंगर कॉन्ट्रेक्शन अब स्ट्रोंगर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसका मतलब अब जो बेबी है वो बाहर आने के लिए रेडी है दिस लेड टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल यानी वो बाहर आने के लिए अब रेडी है आप देख सकते हैं यहाँ से रूट्रस की जो कैनाल है इसका जो माउथ होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है और यहाँ से बच्चा जो है आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है इससे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है यानी इसमें पुश मेथड यूज किया जाता है यानी मदर भी इसके अंदर पुष्ट करती है डायफ्राम के थ्रू जिससे क्या ये बाहर की तरफ आसानी से आ जाए सुन एफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा एलोंग विद डेसी डिवाइस आल्सो एक्सपर्ड आउट द यूट्रस आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बच्चे के बाहर आने की प्रोसेस होती है तो यहाँ ओस जो है वो ओपन हो जाता है और इससे देख सकते हैं आप बाहर की तरफ और ये सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में देखें तो प्लेसेंटा जो है देखिए ये बाहर आ गई है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चा जो है परसव के दौरान इस प्रोसेस को लेकर के बाहर आता है नेक्स्ट फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटाइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी हम कह सकते हैं बाहर आने का इजेक्शन मतलब बाहर आना तो ये कमांड किससे मिलती है पोस्टीरियर पिटूटरी से जहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जिसके कारण एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रो बर्थ कैनाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन इम्प्लांटेशन लेक्टेशन या फिर गैसटेशन तो हमारा सही आंसर है पार्चुरेशन नेक्स्ट लेक्टेशन यानी बच्चे के जन्म के बाद में लेक्टेशन की प्रोसेस वन एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट नेटल केयर यानी हम कह सकते हैं बच्चे की केयर के से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है यूनिक टू मैमल सभी मैमल के अंदर देखने को मिलता है इज लैक्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ मदर मिल्क द हाइपोथेम सिग्नल द एंटीरियर पिटोटी टू सिक्रिएट या रिलीज प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट द मेमरी क्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क इन रेस्पॉन्स टू शकिंग बाय द न्यू बोर्न as well as change in estradiol level after birth the mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy gcm lactation, lactation helps the mother in feeding the newborn द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लेक्टेशन इज कोल्ड कोलेस्ट्रॉम बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है याद रखेंगे फर्स्ट मिल्क जो स्टार्टिंग मिल्क होता उसे है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं ये हल्का सा येलो कलर का होता है कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज जिसमें आई जी ए प्रेजेंट है याद रखेंगे एब्सोल्यूटली एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म द इनिशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टरेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम सीमन प्लाज्मा और सीरम तो हमारा सही आंसर है कोलेस्ट्रोम तो ये था हमारा टॉपिक और ह्यूमन रिपोर्डक्शन जो है उसके अंदर सारी चीजें अभी कंप्लीट हो गई है इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहें।